अंक माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 7 देखते हैं। हमारा चैप्टर 7 है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। फ्रेंड्स आपने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों के बारे में सुना है। तो फ्रेंड्स इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि पौधों और जंतुओं का संरक्षण क्या होता है, इनको कहाँ पर संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों जो वन एवं वनस्पति वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु बने हैं। फ्रेंड्स ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य प्राणी अभयारण्य है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इनका बनाने का उद्देश्य ये है कि जो वन्य प्राणी हैं, मतलब जितने भी जंगली जीव जंतु या प्राणी हैं जो जंगल में रहते हैं, उनका संरक्षण मतलब उनको सुरक्षित करना और परिरक्षण मतलब उसकी जनसंख्या को बनाए रखना। ठीक है, इसीलिए इन जो अभयारण्यों और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनको बनाया जाता है। ठीक है, और कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो भरतपुर अभयारण्य, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सब क्या हैं, ये संरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा 7.1 है वनोन्मूलन एवं उनके कारण। फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना, और ये सब क्या है, हमारी मतलब मानव जाति के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी हैं पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं वे। पर इन जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए जो वनोन्मूलन है मतलब वनों को काटना है, तो वो एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। किस लिए, क्योंकि आप लोग जैसे कि जानते हो वनोन्मूलन क्या है, तो वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। मतलब जितने भी जंगल हैं उनको काट दिया जाता है और वहाँ पर जो खाली भूमि होती है उसका किसी जैसे उद्योगों को स्थापित करने या फिर खेत बनाने के लिए उस भूमि का उपयोग किया जाता है, और यही क्या कहलाता है, तो यही वनोन्मूलन कहलाता है। ठीक है, और क्यों किया जाता है, तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना मतलब खेती करने के लिए जो ज़मीन है उसको बनाने के लिए, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने व लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो फर्नीचर हैं आजकल जितने भी फर्नीचर हैं वो प्लास्टिक के भी बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं, पर क्योंकि लकड़ी के बने फर्नीचर बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर टिकाऊ होते हैं, है ना, इसलिए पेड़ों को काट कर उसके फर्नीचर बनाए जाते हैं। और इसी तरह लकड़ी से ईंधन प्राप्त किया जाता है, मतलब घर में जो जलाऊ लकड़ी होती है तो वो कहाँ से मिलता है, वो इन जंगलों से ही आता है। ठीक है, दावानल एवं भीषण सूखा। फ्रेंड्स आप दावानल के बारे में जानते हो, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, तो ये भी एक वनों के उन्मूलन का मतलब वनोन्मूलन का प्रमुख कारक। और क्या कारक है, ये प्राकृतिक कारक है जो कि प्रकृति द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 7.2 है हमारा वनोन्मूलन के परिणाम। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि वनोन्मूलन के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रदूषण बहुत बढ़ता है, है ना, और इससे जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, और भौम जल है जो मतलब भूमि की जो जल है वो उसमें कमी आती है, है ना। वैश्विक तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग सभी जानते हो आप लोग, और मृदा की उर्वरता में कमी, ये भी जानते हो आप लोग कि मिट्टी की उर्वरता किस प्रकार प्रदूषण से या वनोन्मूलन से खत्म हो जाती है। बाढ़ तथा सूखे मतलब बाढ़ और सूखे पड़ जाते हैं। जल चक्र का असंतुलन, ये भी जानते हो आप, मतलब इन सभी को हमने लास्ट चैप्टरों में पढ़ लिया है। मृदा अपरदन मरुस्थलीकरण मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ की मिट्टी बिल्कुल बारिश होगी तो बह जाएगी, जिससे वहाँ पर मरुस्थलीकरण हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो वन्य प्राणी हैं उनके जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है वनोन्मूलन का। ठीक है, जो वन्य प्राणी हैं वो कहाँ रहेंगे अगर वन ही नहीं रहेंगे तो चलिए और देखते हैं। सेवन पॉइंट थ्री
वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण। फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि ये जो वन्य प्राणी हैं उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। वन और वन्य प्राणी दोनों का, मतलब वनस्पति और जीव जंतु दोनों का। तो आपने जाना कि वनोन्मूलन के क्या क्या प्रभाव हैं, मतलब दुष्प्रभाव हैं। तो इनको बचाने के लिए, इस जो दुष्प्रभाव है उससे वन और वन्य प्राणियों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, मतलब उनको संरक्षित कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो जीव जंतु हैं उनको बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र का निर्माण, मतलब संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, पंचमढ़ी जैव मंडली संरक्षित क्षेत्र, आपने सुना है ये MP में पड़ता है ना। तो और ये जो क्षेत्र है, ये जो पंचमढ़ी है वो मतलब इसमें जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं वो ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं और निचली घाटी मतलब पश्चिमी घाट के समान है। आप लोगों जानते हो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है जीव जंतु की विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी तरह हिमालय जो है वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु की जातियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो पंचमढ़ी है यहाँ भी जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र की जैव विविधता बहुत अलग प्रकार की है। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स ये जो जो जीवों के संरक्षण है वो उसका जैविक महत्व तो बहुत अधिक है। ठीक है, और ये हमारी एक राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं जो जीवन यापन के योग्य हैं। ठीक है, जैव मंडल किसको कहते हैं, तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, है ना, जहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं और जीवन यापन के योग्य हैं, मतलब उनके रहने के लिए योग्य स्थान है। ठीक है, और जैव विविधता का अर्थ क्या है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध, मतलब ये जो पारिस्थितिक तंत्र हैं या जैव विविधता किसको बोलेंगे, तो जो जीव जंतु हैं उनका आपसी संबंध, मतलब पारस्परिक संबंध और पर्यावरण के संबंध के साथ संबंध, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण है पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे कि ये अभयारण्य क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। फ्रेंड्स अभयारण्य सबसे पहले, तो वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। फ्रेंड्स ये उन क्षेत्रों को अभयारण्य कहा जाता है जहाँ पर जंतु, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं वो और जो पेड़ पौधे हैं वो उनके मतलब प्राकृतिक आवास में ही रहते हैं और वो विक्षोभ मतलब जो भी उन जैसे शिकार हो गया या और भी जो नुकसान है वो उससे सुरक्षित रहते हैं, तो ऐसे जगहों को अभयारण्य कहा जाता है। और ऐसे जगहों को में मतलब लोगों को घूमने फिरने की छूट होती है, पर वो जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जीव जंतु और मतलब जीव जंतुओं का जो शिकार वगैरह है वो वहाँ पर मतलब वर्जित होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान भी उसी तरह से जैसे अभयारण्य होते हैं, सेम उसी तरह से वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र ये भी हैं, और यहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में भी सुरक्षित रह सकते हैं और वहाँ पर के जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है ना, और वहाँ पर वो जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और उनके साथ साथ वहाँ पर जो लोग रहते हैं, मतलब वहाँ के
क्षेत्रीय वहाँ उस क्षेत्र में जो आदिवासी लोग वगैरह रहते हैं वो अपने पारंपरिक ढंग से वहाँ पर जीवन यापन करते हैं, और ये जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो बहुत अधिक विशाल क्षेत्र में स्थित होता है, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है इसका। और यहाँ पर भी मतलब जो शिकार वगैरह हैं वो प्रतिबंधित होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो वनस्पति जात और प्राणी जात होते हैं उनके आवासों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये तीनों इसी में कंबाइन हो गए, ठीक है। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, मतलब पोंचिंग बोलते हैं इसको, इन क्षेत्रों में निषिद्ध होते हैं, मतलब वर्जित होते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे 7.4 जैवमंडल आरक्षण। तो फ्रेंड्स, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, है ना। और जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो जैव विविधता का अर्थ क्या है, तो मतलब किसी विशेष क्षेत्र में पेड़ पौधे और जीव जंतु और उसके साथ साथ सूक्ष्म जीव, जितने छोटे छोटे जीव हैं उन सबों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, और इन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जैव मंडल आरक्षण, मतलब जहाँ पर उनको आरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो किसी क्षेत्र का मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य आरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं, जैसे कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ओके। चलिए आगे देखते हैं, किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर अन्य संरक्षित क्षेत्र भी आते हैं, मतलब कोई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र काफ़ी विस्तृत भाग होता है और उसके अंदर में छोटे छोटे और संरक्षित भाग आते हैं, ठीक है। जैसे कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक दो वन्य जीव अभयारण्य हैं, मतलब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पेड़ पौधे एवं जीव जंतु 7.5। फ्रेंड्स, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात मतलब फ्लोरा कहलाते हैं, मतलब किसी निश्चित स्थान में जो पेड़ पौधे और पाए जाएंगे उसको वनस्पति जात मतलब फ्लोरा कहा जाता है, एवं जीव जंतु प्राणी जात मतलब फ्यूना कहलाते हैं। आपने फ्लोरा और फ्यूना के बारे में सुना होगा, तो जो जीव जंतु होंगे उस स्थान के वो फ्यूना कहलाएंगे और जो पेड़ पौधे होंगे वो फ्लोरा कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि फ्लोरा में साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सब क्या है, तो ये वनस्पति जात है, मतलब फ्लोरा है। चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात है, मतलब ये क्या है, फ्यूना है, ओके। अब आगे देखते हैं 7.6। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में जो प्रजाति पाए जाएंगी वही विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाएंगे, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज़ जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज़ कहते हैं। स्पीसीज़ मतलब जाति, मतलब किसी पौधा और किसी जंतु का जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, मतलब वो मौसम उसके लिए मतलब अनुकूलित होता है ना, तो वही क्षेत्र ऐसे विशेष जाति के लिए
जो अनुकूलित होता है, और वहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाएंगे वो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाएंगे। ठीक है, मतलब जो क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, जैसे कि विशाल गलहरी साल और जंगली आम, ये पंचमढ़ी के विशेष स्पीसीज हैं, क्षेत्रीय विशेष स्पीसीज। ओके, तो स्पीसीज एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्पीसीज हैं, मतलब विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज जो हैं, वो किसी क्षेत्र, राज्य या देश के किसी विशेष क्षेत्र में हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पंचवढ़ी में क्या है, जंगली आम और साल, ये वहाँ के फ्लोरा है। और जो विशालकाय गिलहरी, जिसकी काफ़ी लंबी फरदार पूंछ होती है ना, तो ये क्या है, वो वहाँ की फ्यूना है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, मतलब इनके आवास जो हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं, है ना, और इनकी जनसंख्या भी इसके कारण कम हो रही है, और नई स्पीसीज के, मतलब इनके जो क्षेत्र विशेष हैं वहाँ पर नई स्पीसीज के प्रवेश से इनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है ना, आवास के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए, तो इसका असर उनकी जनसंख्या पर पड़ता है, उनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है इससे। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि ये स्पीसीज जीव जो हैं वो किसी समष्टि का समूह होते हैं, और जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। अंतर्जनन मतलब एक दूसरे, मतलब जिनमें आपस में जनन हो सकता है। ओके, अब इसका अर्थ ये है कि एक जाति के जो सदस्य हैं वो केवल अपनी जाति के ही सदस्यों के साथ या अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, तो ये एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो किसी जंगल में ये जो विशेष गिलहरी है, विशालकाय गिलहरी, तो इसकी जो अन्य प्रजातियां होंगी उसी के साथ ये जनन कर सकते हैं, है ना, सिर्फ अपनी जाति के साथ। ओके, तो यही कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सेवन पॉइंट सेवन, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। चलिए अब हम वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे पहले, फिर उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो पहला है, सॉरी, 7.7 है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स, आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी, मतलब जंतु, सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर, जैसे आरक्षित क्षेत्र होते हैं, सेम उसी तरह की जगह होती है जहाँ पर वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, इन्हें ही वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभयारण्य वे स्थान है जहाँ पर प्राणियों और जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है, है ना। और फिर भी अफसोस की बात यह है कि ये जो संरक्षित वन है, तो वहाँ भी जो वन्य जीव हैं उनके लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, मतलब जो वनों में या उसके आसपास की जगहों पर रहते हैं, उन्होंने वहाँ पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या पता है कि चिड़ियाघर क्या होता है? तो चिड़ियाघर भी प्राणी उद्यान की, मतलब प्राणी उद्यान भी है, है ना। यहाँ पर जंतुओं को संरक्षण मिलता है, पर उसको, वो अपने प्राकृतिक आवास नहीं है, वो उनके जो चिड़ियाघर है वो, ठीक है, वहाँ पर इन जीवों को कृत्रिम रूप से, मतलब उनको वो खुद अपने आप से शिकार नहीं कर सकते, है ना। वहाँ पर उनको भोजन वगैरह खुद जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं वो लोग उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो संकटापन्न जीव, मतलब जो जीव संकट में है, मतलब जिनकी संख्या कम होती जा रही है ना, जैसे कि काले हिरण, श्वेत आँखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ
अजगर, गैंडा इत्यादि वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये जो हैं जीव मैंने जो ऊपर पढ़ा वो संकटापन्न वन्य जंतु हैं, मतलब इनके जो प्रजातियां हैं वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है ना, ये विलुप्त प्राय जीव हैं और इनको जो वन्य प्राणी अभयारण्य है वहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भारतीय अभयारण्य है वहाँ पर दृश्य भूमि, मतलब जो वहाँ की भूमि है, वहाँ पर के जो समतल वन है, पहाड़ी वन और बड़ी नदियों के डेल्टे की झाड़ी भूमि है या बुश लैंड है, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं, ये जो अभयारण्य है उसके अंदर। ठीक है, तो अब हमारा 7.8 है राष्ट्रीय उद्यान। अब हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे, ये क्या होते हैं। तो ये भी एक विशाल आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण घटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, मतलब यहाँ पर भी जीव जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है और यहाँ पर मतलब वनस्पति जात और प्राणी जात, मतलब फ्लोरा और फ्यूना, और उसके साथ साथ दृश्य भूमि, मतलब जो पर्यटन वाली भूमि है, मतलब देखने लायक जगह है, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, मतलब यहाँ पर ऐतिहासिक वस्तु जो भी इतिहास से प्राप्त वस्तुएं हैं उसका संरक्षण राष्ट्रीय उद्यानों में किया जाता है। ठीक है, फ्रेंड्स, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ओके, आप याद रखिएगा। और यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म की टीक, मतलब सागौन, इस वन में मिलती है। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। ये चट्टान आवास क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में चट्टान आवास, मतलब जो गुफा होते हैं, है ना, चट्टानों से बने गुफा होते हैं, ये भी वहाँ पर मतलब स्थित है। और इन वन जो वन है यहाँ पर के, वहाँ पर मनुष्य की गतिविधियाँ मतलब बहुत प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्राचीन काल में जो लोग मनुष्य जो वहाँ पर गतिविधियाँ करते थे, रहते थे इन गुफाओं में, उसके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। ओके, तो चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग और कलाकृतियाँ भी मिलती हैं, मतलब ये जो गुफाएँ हैं उनमें जो प्राचीन काल के मनुष्य थे उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग और कलाकृतियाँ मिलती हैं। ठीक है, और यही कहा गया है कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है, मतलब 55 वहाँ पर गुफाएं ऐसी मिल चुकी हैं। ठीक है, और ये जो गुफाएं हैं उनमें मतलब जंतु मनुष्य को मतलब कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार करते हुए और नृत्य करते हुए वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, और अभी भी बहुत सारे जो आदिवासी हैं वो जंगलों में ही रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो सतपुड़ा है वहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना भी चलाई गई है, जो मतलब वहाँ पर लागू है। ठीक है, और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो अपने देश में जो बाघों की जातियां हैं, उत्तरजीविता है, उसका संवर्धन करना, मतलब उनकी जनसंख्या को जो कम हो रही है उनको फिर से बढ़ाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, परंतु जो सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में जो बाघों की संख्या है वहाँ पर वृद्धि हो रही है, और ये जो संरक्षण क्षेत्र हैं ये उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, है ना। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे और बारहसिंघा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे, पर वे मतलब आज उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, है ना, और कम होती भी जा रही है, और कुछ तो विलुप्त भी हो गए हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो फ्रेंड्स, संकटापन्न जंतु वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आपने मतलब आपको पता होगा कि डायनासोर है ना, वो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो ये बाघ हैं उनकी भी स्पीसीज
काफ़ी कम हो गई थी जिनको इन अभयारण्यों में संरक्षित किया गया, जिससे अभी उनकी जो संख्या है वो स्थिर बनी हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या सिर्फ जो जंतु हैं या जो जंगलों में जीव जंतु रहते हैं क्या उन्हीं को विलुप्त होने का खतरा है? क्या पेड़ पौधे विलुप्त नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स जो बड़े जाति हैं जंतु हैं उनकी अपेक्षा जो छोटे छोटे प्राणी हैं उनके विलुप्त होने की संभावना बहुत अधिक है। फ्रेंड्स अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इन सबको निर्दयता से मार डालते हैं, है ना। और ये परितंत्र मतलब हमारे इकोसिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, है ना। हम उनको मारकर खुद को भी हानि पहुंचा रहे हैं। यदि वे भले ही वो आकार में छोटे हैं पर हमारे इकोसिस्टम में उनका भी एक अलग सा योगदान है, है ना। वो आहार जाल और आहार श्रृंखला के भाग हैं, जैसे कि हमने क्लास सेवेंथ में पढ़ा था। तो किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव अजैव घटक से जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं, मतलब इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम मतलब परितंत्र, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में कौन कौन से जीव आएंगे, तो पेड़ पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव, और उसके साथ साथ जो अजैव घटक हैं। अजैव घटक में क्या क्या आते हैं, तो जलवायु ये अजैव घटक है, भूमि है, मिट्टी है, नदी, डेल्टा, ये सब क्या है, अजैव घटक है। तो और इन सभी को सम्मिलित रूप से ये परितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमारा 7.9 है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक में इसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, वो रेड डाटा बुक कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स रेड डाटा बुक में पौधों और जंतुओं और अन्य जो स्पीशीज हैं उनके लिए अलग अलग रेड डाटा बुक पुस्तकें हैं। ठीक है, जिसमें पेड़ पौधों के लिए अलग, जीव जंतुओं के अलग और जितने भी स्पीशीज हैं सबके लिए अलग अलग बुक्स हैं, रेड डाटा बुक वो बनाई गई है। ठीक है, हमारा 7.10 है प्रवास। अब हम प्रवास के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स जलवायु के परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि पक्षी जो हैं वो प्रवास करते हैं, है ना। जैसे कि उत्तरी ध्रुव में रहने वाले जो पक्षी हैं जब वहाँ पर शीत मतलब ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ से वो ऐसे जगहों पर जाते हैं जहाँ पर गर्मी होती है, है ना। और किस लिए जाते हैं, तो वो पक्षी जो हैं वहाँ अंडे देने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो प्रवासी पक्षी हैं प्रत्येक वर्ष दूर क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, और एक निश्चित समय पर अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक ठंडी होती है ना, और वो स्थान उनके जीवन यापन के लिए उस टाइम अनुकूल नहीं होता। तो ऐसे पक्षी जो उड़कर लंबी क्षेत्रों की तक लंबी दूरी यात्रा करते हैं उनको प्रवासी पक्षी कहा जाता है। ठीक है, अब है 7.11 कागज का पुनः चक्रण। फ्रेंड्स एक टन कागज़ के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। आप सोच सकते हो कि एक टन कागज़ के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है, वो भी पूर्ण रूप से विकसित, है ना। तो फ्रेंड्स इसलिए हमको कागज़ की बचत करनी चाहिए, है ना, और उनका रीयूज़ करना चाहिए जो कि हम उसका पुनः चक्रण कर सकते हैं और 5 से 7 बार तक उसको फिर से यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था। ओके, तो फ्रेंड्स मतलब हम लोग मान लो एक दिन में एक कागज़ की भी बचत करते हैं तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्षों को बचा सकते हैं। ओके, हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, उनका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। ओके, इस तरह से हम सिर्फ न वृक्षों को बचाएंगे बल्कि जो कागज़ उत्पादन के मतलब उसके उपयोग में जो आने वाला जल है उसकी भी बचत होगी और ऊर्जा की भी बचत होगी। ठीक है,
और इसके साथ साथ जो कागज़ उत्पादन के लिए जो उपयोग किए जाते हैं सॉरी हानिकारक रसायन उपयोग किए जाते हैं उनमें भी कमी आएगी। ठीक है, अब 7.12 है पुनर्वनरोपण। फ्रेंड्स, वनोन्मूलन का एक मतलब सीधा सा रास्ता क्या है तो पुनर्वनरोपण। ओके, तो पुनर्वनरोपण नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण करना है। ठीक है, तो जहाँ पर ये जो वन हैं वो काटे गए हैं वहाँ पर वृक्षों की कमी को पूरा करने के लिए नए वृक्षों का रोपण करना चाहिए। और रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी भी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वनरोपण हो सकता है यदि जो वन उन्मूलित क्षेत्र हैं उनको वैसे ही छोड़ दिया जाए, मतलब अबाधित छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर उनकी जो संख्या है वो पुनः स्थापित हो सकती है फिर से। और प्राकृतिक पुनर्वनरोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पर जो हम मतलब हम जो हस्तक्षेप करते हैं वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम अपने वनों को बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं और अगली पीढ़ी के लिए जो हरी संपदा है उसको बनाए रखना है तो हमको एकमात्र वृक्षारोपण ही उसका विकल्प है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको प्रोजेक्ट हाथी नामक परियोजना के बारे में बताना है कि ये कौन से जगह पर चलाई जा रही है। ठीक है, और संकटापन्न स्पीसीज के संरक्षण हेतु चलाई गई कोई एक परियोजना का नाम बताइए और जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान कितना है ये बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आपको पता है कि विश्व में जो जंगली बाघों की आधी से अधिक जनसंख्या है वो भारत में पाई जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार 65% एशियन हाथी और 85% एक सिंग वाले गेंडे और 100% एशियन शेर भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।